बिहार में विपक्ष के पास सिर्फ एक सांसद है, किशनगंज से कांग्रेस के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में जिले में पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली है और शहर की सीट है। किशनगंज में कांग्रेस के पास एक सांसद और एक विधायक होने के बावजूद जिले के शास्त्री मार्ग स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय खंडहर में तब्दील हो गया है। कार्यालय परिसर में ऐसे जंगल उग गया है जैसे पार्टी ऑफिस को कांग्रेस भूल ही गई हो। शहर के बीचों बीच इस जंगल से आसपास के लोगों को परेशानियां होती हैं, दबी जुबान में स्थानीय लोग शिकायत करते हैं। स्थानीय विजय कुमार कहते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऑफिस की सफाई होती है, बाकी ऐसे ही रहता है। कांग्रेस ऑफिस तो क्या स्थिति है? सफाई वफाई नहीं हो रहा है, कुछ जंगल पूरा। तो यहाँ पर एक एमपी भी है यहीं का, एमएलए भी है किशनगंज के, उसके बावजूद भी ये हाल, क्या करें? हम लोग बोले, हम लोग यहीं रहते हैं, क्या बोले? तो आप लोग का क्या मांग है? अब वही 15 अगस्त 26 जनवरी में सफाई होता है, उसके बाद वैसे ही रहते। लेकिन किशनगंज कांग्रेस जिला कार्यालय की हालत हमेशा ऐसी नहीं थी। विधायक बनने के बाद 30 नवंबर 2020 को विधायक इजहारुल हुसैन ने इसी ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं से पहली मीटिंग की थी। इस दौरान उन्होंने ऑफिस के हालात को सुधारने की बात करते हुए कहा था कि ऑफिस में बैठे तो लगे कि विधायक बैठा है। मुझे पता था कि लोग बोला करते हैं कि आप टिकट लेके आइए, आपको इलाका घूमने की जरूरत नहीं है। खैर उसी हिसाब से काम हुआ। अभी मैंने पहले ही कहा था, पहले मेरा पक्ष होता रहेगा कि ऑफिस क्या अनुदा क्या और प्रोविजन नहीं बना सकते हैं, देखेंगे। हम तो सोचते हैं इसको रिमॉडलाइज किया जाए, इसको और इसका अगर इसको रिमॉडलाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें अगर हम नीचे वो सिस्टम में अगर वो दुकान बना दें तो भाड़ा भी आएगा, ऊपर ऑफिस ऐसा कुछ सिस्टम अगर होगा तो हम कोशिश करेंगे। अरे हम ऑफिस में बैठे पता नहीं लगे विधायक बैठे तो पता क्या होगा? जिला बैठे बैठे हैं, हमारे लोग बैठे हैं, कांग्रेस के सब दिग्गज लोग बैठे हैं, उस ऑफिस में मजा ही नहीं तो क्या होगा? इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष अरुण कुमार ने अपने ही पार्टी के जिला अध्यक्ष पिंटू चौधरी पे सवाल खड़ा कर दिया है। माननीय जिला अध्यक्ष श्री पिंटू चौधरी जी 2-3 महीना में एक बार आते हैं और यहाँ की व्यवस्था का जिम्मेदारी किसी पर नहीं दी है, ये बहुत खेद की बात है। आलाकमान को इसकी खबर लेनी चाहिए। हम भी पुरजोर मांग करते हैं अपने अध्यक्ष से, एमपी और एमएलए से, कि इस पर ध्यान दीजिए। जिलाध्यक्ष का अगर कार्यकलाप से आप संतुष्ट नहीं हैं तो उनको आगाह कीजिए। आप भी तो नगर अध्यक्ष हैं। हम नगर अध्यक्ष तो मेरे जुडिक्शन में वो भवन नहीं आता। उधर बीजेपी के जिलाध्यक्ष सुशांत गोप ने इसको लेकर कांग्रेस के नीति और नियत पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए कांग्रेस का मानसिक विकृति हो गया है, उन लोग को हर चीज़ में चूँकि घोटाला घपला ये सब कुछ बंद हो गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिक विकृति है। खासकर किशनगंज का सीमांचल का मामला देखा जाए तो बरसों से कांग्रेस का सांसद और विधायक रहा है और आज उसकी कार्यालय की स्थिति देख लीजिए, सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं है, चारों ओर गंदगी फैलाया हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। और इस तरह से वैक्सीनेशन का दुरुपयोग का मामला ऐसा करके उठाना या सफाई के ऊपर ध्यान नहीं देना, उनका कार्यालय देख लीजिए, यहाँ के विधायक सांसदों की नीयत देख लीजिए, नीति और नियत दोनों गंदा है। जहां लोग कोरोना से त्रस्त है वहां स्टेडियम बनाने के लिए अपील कर रहा है। इन आरोपों को लेकर हमने कांग्रेस जिलाध्यक्ष पिंटू चौधरी से संपर्क किया लेकिन उनका फोन बंद मिला।